हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्थ। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों 1 से 3 साल तक के बच्चों के पेट में दर्द होना, देखिए दोस्तों बच्चों के पेट में कभी भी दर्द हो सकता है, लेकिन अगर बच्चे के पेट में इस समय दर्द हो रहा है जब आप डॉक्टर के नहीं जा सकते हैं, तो वो कौन से घरेलू उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चे के पेट में होने वाले पेट दर्द को कम कर सकते हैं? दोस्तों बच्चों के पेट में दर्द कब्ज, दस्त या फिर गैस के तीनों कारणों से हो सकता है, लेकिन एकदम से जो दर्द उठता है बेसिकली दोस्तों वो गैस का दर्द होता है। अगर और कोई रीजन है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, लेकिन अगर नॉर्मल गैस का दर्द बच्चे को हो रहा है तो आप कौन से घरेलू उपाय अपना सकते हैं? वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहला घरेलू उपाय है दोस्तों कि बच्चे को लिक्विड डाइट इंक्रीज कीजिए और कुछ ऐसी चीजें, ऐसे पेय पदार्थ जिसमें चीनी की मात्रा ना हो वो आप अपने बच्चे को दीजिए। जैसे कि दोस्तों अदरक की चाय, आप क्या कीजिए, आधा इंच अदरक के टुकड़े को 1 कप पानी में पकाइए और उसको छानकर गुनगुना बच्चे को पीने के लिए दीजिए। दोस्तों ये बच्चे की सर्दी खांसी भी ठीक करता है, बच्चे के पेट दर्द की समस्या को ठीक करता है, जो पेट में गैस से ऐंठन हो जाती है दोस्तों उसमें ये बहुत फायदा करता है, तो ये आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसी तरीके से आप पुदीने की चाय बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल 1 कप पानी रखिए, 8 से 10 पत्ती पुदीने की डालिए और जब थोड़ा सा बॉयल आ जाए, कलर आपको हल्का सा चेंज दिखे, आप उसको छान लीजिए और बच्चे को पीने के लिए दीजिए। दोस्तों पेट में जैसी भी कोई समस्या होती है उसमें ये बहुत राहत देता है, बहुत ही फायदेमंद घरेलू उपाय है। इसके अलावा दोस्तों आप बच्चे को सेक दे सकते हैं। देखिए सिकाई एक तो बच्चे के पेट में कोई भी दुष्प्रभाव नहीं डालेगी, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, तो बच्चे के पेट की आप सिकाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सिकाई की थैली नहीं है तो किसी भी कांच की बोतल में हल्का सा गर्म पानी डालिए और उसको उसका तापमान चेक कीजिए कि ज्यादा गर्म तो नहीं है, ज्यादा गर्म है तो किसी टॉवल में आप लपेट कर बच्चे के पेट पर इस तरीके से फहराइए। दोस्तों बच्चे को इससे तुरंत आराम मिलता है और काफी आराम मिलता है। सिकाई आप कर सकते हैं, बाजार में बहुत इजीली दोस्तों आजकल हीटिंग पैड अवेलेबल है तो हीटिंग पैड भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हींग का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों हींग रामबाण उपाय है 1 महीने के बच्चे से लेकर और बड़े इंसान तक। तो आपको क्या करना है, हींग लेना है, उसमें 2 बूंद 3 बूंद पानी डालिए, हल्का सा गर्म कीजिए, बच्चे की नाभि के चारों लगा दीजिए। ध्यान आपको क्या रखना है कि बच्चा पेट के बल लेटा होना चाहिए, क्योंकि जो हींग का पेस्ट है उसको आपको बच्चे की नाभि के अंदर नहीं लगाना है, नाभि के चारों ओर लगाना है। गैस के दर्द में दोस्तों ये तुरंत आराम दिलाता है, बच्चे को अगर गैस की समस्या हो रही है तो तुरंत बच्चा गैस पास कर देता है। अगर इसी के साथ मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि छोटे बच्चे को कैसे लगाना है। देखिए अगर बहुत छोटा बच्चा है, हींग की तासीर बहुत गर्म होती है, तो बच्चे के पैर का जो अंगूठा होता है उसके नाखून पर आप लगाइए, उससे भी बच्चे को राहत मिल जाती है और बच्चा गैस पास कर देता है। शहद का उपयोग, 1 से 1.5 साल से बड़े बच्चे को ही शहद देने के लिए बोला जाता है, तो आप शहद गर्म पानी में डालकर बच्चे को दे सकते हैं, गैस हो कब्ज हो सब में ही आराम दिलाता है दोस्तों। तो 1 गिलास गुनगुना पानी जितना भी आपका बच्चा पी सकता है, आधा चम्मच शहद डालिए, ज्यादा पानी पी दे रहे हैं तो 1 चम्मच शहद डालिए, तो वो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, बच्चे को टहलाते रहें, जितना ज्यादा आपका बच्चा घूमेगा खाना डाइजेस्ट कर पाएगा, गैस की समस्या नहीं होगी, तो इस चीज का भी आपको काफी फायदा मिलेगा। बच्चे के पेट की मालिश कीजिए सर्कुलर मोशन में। आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से दोस्तों नाभि के चारों तरफ। इससे क्या होता है कि बच्चे के पेट में अगर गैस अटक जाती है तो उससे बच्चे को काफी राहत मिलती है और बच्चा गैस पास करता है। डाइट का बहुत अधिक ध्यान रखिए, जब तक आपका बच्चे का पेट ठीक नहीं हो जाता है आप बच्चे को तला भुना, ऑयली खाना या बहुत ज्यादा मीठी चीजें, ऐसा आपको कुछ भी बच्चे को नहीं देना है, केवल आपको बच्चे को हेल्दी फूड ही देना है। बच्चे की डाइट में दही जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक पाए जाते हैं, जो बच्चे के पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, गैस का दर्द है, खाना नहीं हजम हो रहा है या फिर दस्त क्यों ना हो गए हो, तो सब में दही बहुत ही फायदेमंद होती है। कुछ लोगों को दोस्तों एक कंफ्यूजन होता है कि दही खांसी जुकाम में बहुत ज्यादा नुकसान करती है। अगर आप किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगे तो डॉक्टर भी आपको यही कहेंगे कि आपको खट्टी दही नहीं खानी है,
आपको फ्रीज में रखी हुई दही नहीं देनी है कभी भी। आप अगर ताजी और मीठी दही जमाते हैं जिसको आपने फ्रीज में अभी तक नहीं रखा है और जिसमें खट्टापन नहीं है, वो आप कभी भी खा सकते हैं, वो नुकसान नहीं देती है। लेकिन खट्टी दही है तो बिल्कुल भी खांसी जुकाम में मत खाइए। फ्रीज की रखी हुई दही है तो बिल्कुल भी बच्चे को मत दीजिए, इससे बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। तो ये चीज होती है दोस्तों, जो हमारे बेटे के समय भी मैंने पूछा था तो डॉक्टर ने मुझे यही बताया था कि आप बच्चे को ताजी और मीठी दही दे सकते हैं, खट्टी और फ्रीज में रखी हुई दही बिल्कुल भी मत दीजिए। बच्चे के डाइट में अगर कब्ज की समस्या है तो फाइबर युक्त खाना जरूर ऐड कीजिए। आप बनाना बच्चे को दे सकते हैं, आप बच्चे को राइस दे सकते हैं, आप बच्चे को कर्ड दे सकते हैं। और दोस्तों ऐसे फाइबर ऐड कीजिए, अन ऐड कीजिए, जिससे कि बच्चे को कब्ज की समस्या हो ही ना। और लिक्विड डाइट बच्चे की ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कीजिए। तो उम्मीद करूंगी दोस्तों, अगर आपके बच्चे के पेट में भी कभी भी दर्द हो जाता है तो इनमें से कोई भी उपाय आपके बच्चे को जरूर काम करे और जरूर काम करेगा भी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।